जमदार हो गई हूँ, जिसके पीछे अपना घर बार सब कुछ छोड़ छोड़ के लड़कियां भाग पड़ती हैं। बेटे में तुम्हारे सगे भाई हैं। हौसला रखो, हौसला रखो बहन, इलाज होगा लाजमी। नाना बू का नाम क्या है? मरियम खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, ये जो एक मशहूर हस्ती आप मेरे साथ देख रही है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये अपने आप को शान की बीवी कहने वाली, अपने आप को मनवाने वाली कि मैं शान की बीवी हूं, लेकिन अभी तक जो है वो बेचारी के साथ इंसाफ नहीं हो सका। अभी तक ये धक्के खा रही है, इसको शान ने कबूल नहीं किया। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ शान की बीवी होने के साथ साथ एक नया कटा खुल गया। वो नया कटा कौन सा है वो ये खुद खोलेगी, ये बताएगी। अच्छा अब बताओ, अभी पहले तो शान की बीवी थी, पिटती रही मैं शान की बीवी, लेकिन नहीं साबित कर सकी। अब आजकल तुम कह रही हो कि इमरान खान साहब जो है वो मेरे अब्बा जी हैं। अबे साले, तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। ये क्या हकीकत है? मैंने असल में तो सच किसी को बताना नहीं चाहा। अच्छा, लेकिन किसी ने मजबूर किया सच बोलने पे, इसीलिए सच बोल दिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने मजबूर किया, क्यों जरूरी राज खोलने होते हैं? तो इतने बड़े बड़े तो शान साहब इतने बड़े बड़े राज खोल दिए, शान की बीवी इमरान खान न्याजी की बेटी, तो फिर अपने वालिद का नाम लेने पे जुर्मदार हो गई हूँ। अच्छा वालिद है इमरान खान, कौन सा वाला इमरान खान? तो दुनिया में इतने सारे हैं। मेरा वालिद इमरान खान न्याजी है। इमरान खान न्याजी जो हमारे पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, जिसके पीछे अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के लड़कियां भाग पड़ती हैं। अच्छा ठीक है, वालिद है, वालिद है, सक्का वालिद है मेरा। अच्छा जी, और वालदा? जारा। वालदा जारा, ये इमरान खान साहब से पूछेंगे कि इमरान खान साहब, ये जारा नामी औरत के साथ भी आपने शादी की, और कब की है, और ये बच्ची कब पैदा हुई है? अच्छा, जब उसने शादी की थी, दो बेटे हुए थे, बाद में बेटी हुई थी। दो बेटे जो इमरान खान के हैं? जी, मेरे सक्के भाई हैं। वो इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, वो तुम्हारे सगे भाई हैं? बताओ ना, सके भाई हैं? तो मैंने बताया, एक बार बोला मेरे सके भाई हैं दोनों। हाँ। सुलेमान सुल्तान। हाँ। अच्छा तो जुमाइमा जो है वो, अब वो क्या लगती है तुम्हारी? मैं नहीं जानती जुमाइमा को। तो वो तो जुमाइमा के बेटे हैं ना? जुमाइमा के बेटे हैं। हाँ। नहीं, मुझे मालूम नहीं था। तो फिर तुम कौन सी माँ में से हो? मेरी जो माँ है मैंने उसका नाम बताया है, मैंने अपने वालिद का नाम बताया, अपने खावंद का नाम बताया है। अच्छा। लेकिन जो मेरा खावंद है वो कंजरियों के इतना मसरूफ हो गया है, फर्क नहीं, उसे फुर्सत नहीं सच सुनने सच बोलने में। अच्छा, क्योंकि जैसे मेरे वालिद के पीछे घर बार बच्चे छोड़ छाड़ के बूढ़ियां नौजवान भाग पड़ी है, मेरे खावंद के पास ही ऐसे आती हैं, खुद उनके खावंद लेके आते हैं कि हमारी औरतों को चलाओ, तुम भी खिलाओ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो आयशा है मीडिया वाली, इसका असल नाम फाकिया है, देर गाजी खान के रहने वाली है, पेंडू है, जात दी चूड़ी है, नजायज बच्चे वहां भी उसने पैदा किए हैं, यहाँ भी पैदा किए हैं, वो साबित करके दिखाए कि मैं असल मेरा नाम। ये किसके लिए बोल रही हो? आयशा यानी कि नहीं नहीं, ये आयशा जिसका नाम ले रही हो, ये इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रही हो या शान? सब के हवाले से बात कर रही हूँ कि मेरे वालिद और मेरे खावंद के साथ यही हाल होता है। अच्छा मेरी बात सुनो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, इतने बड़े बड़े दावे करती हो, मेरी बात बोला है, झूठ कभी नहीं बोला, ना ही झूठ सुनने की आदत है, ना ही झूठ बोलने की आदत है मुझे। अच्छा अगर किसी ने पकड़ के अंदर कर दिया इतने बड़े बड़े झूठ बोलने, फिर क्या करो? डर खौफ नहीं है। अच्छा जी, लेकिन जब सलाखों के पीछे जाए फिर सारे डर जाते हैं। क्यों? मैंने सलाखें भी देखी है, फांसी गार्ड के कमरे, सब कुछ मेरा देखा हुआ है। फांसी गार्ड भी देखा है? जी। कैसे, कौन चढ़ाने लगा था फांसी पे? मैंने तो इतना बता दिया, सब कानून के दायरे, कानून के असूल सब मैंने देखे हैं, अवाम के कानून असूल, जो अवाम ने अपने कानून खोल रखे हैं, उसके अपने इस्लामियात, सब कुछ सब के देखे हुए हैं मैंने। अच्छा इमरान खान साहब से कभी मिली भी हो? तुम अपने बाबा से कभी मिली हो?
नहीं, मैं तो अपने बाबा के साथ ही रहती हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ रहते हैं। मैं तो इमरान खान की बात, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें ऐसे धकेल दिया था? नहीं, मुझे तो नहीं धकेला, मैं तो उनके साथ रहती हूँ। मेरे बाबा मुझे कैसे धकेल सकते हैं? तो फिर तुम तो अक्सर यहीं पे नजर आती हो, इतने बड़े सियासतदान की बेटी यहाँ पे इस हालत में रोल रही है, क्यों? इसलिए कि हमें गरूर नहीं है, हम किसी सियासतदान की तरह ना ही किसी के बच्चे बेचे हैं, ना ही किसी की औरतें बेची हैं, ना ही किसी के डाके मरवाए हैं। अच्छा जी, फिर मतलब इमरान खान साहब लाल की मेहनत जो मिलती है वही खाते हैं। अच्छा, खान साहब का हक छीनने की हमें जरूरत नहीं है। खान साहब को पता है कि यहाँ पे रहती हो? मेरे वालिद को, मेरे भाइयों को, सबको पता है। मेरे भाई वालिद, वालिद कौन वालिद? मेरा बाबा मुझे मिल के गया है यहाँ एक बार, मेरे भाई मिलने आए हैं दो तीन बार, कब? मेरी सक्की वाली कब मिल के गई, कब मेरे मामू कब मिल के गए, कब? कब मतलब साथ साथ ये भी बताओ ना, कब क्या हुआ है, कब? जल्दी एक बार मेरा बड़ा भाई यहाँ मिलने आया था सलमान। अच्छा, जब मैं वहाँ बैठी थी, मेरे दोनों भाई तीन चार बार आए हैं अमेरिका से। मेरी सक्की वालदा आई है मुझे मिलने। अच्छा। किसी को ये भी नहीं पता कि मेरी वालदा इस टाइम कहाँ है, मेरे भाई कहाँ रहते हैं। जो चालू औरतें होती हैं ना, वो कहती हैं हमें तो सब कुछ पता है, मर्द ऐसे। अच्छा, तुम चालू औरतों को छोड़ो, मैं तुम्हें ये पूछ, मेरा मसला यही चल रहा है, तो चालू औरतें का नाम क्या मसला चल रहा है? चालू औरतें मेरे खामद और मेरे वालिद के पीछे पड़ी हुई है। बाबा को बोल, खामद तो खैर सबको पता है, बाप कौन? इमरान खान, इमरान खान जी, न्याजी, इमरान खान, यानी कि जो हमारे जमान न्याजी का बेटा, जमान न्याजी का बेटा, वाह जी वाह। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो, जब तुम्हारी वालदा बाहर से आई है, तुम्हारे लिए कोई जोड़ा शोड़ा नहीं लेके आई, कोई कपड़े को गिफ्ट को बंदा ले आता है? जोड़ा नहीं, हाँ। सात सोने का सेट भी होता है। किधर है? हर ईद पे मेरे मामू ऐसे देते हैं, दोनों मामू। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या कर रही हो? यहाँ पे कंजरियों का मुकाला देख रही हूँ, कैसे नाचती हैं, कैसे दो नंबर धंधा करती हैं, उसके वालिद वालदा, उसके चाचू खालू और उसके खामद निकाह वाले, वो भी कैसे लेके आते हैं, वो हमारे यहाँ को चलाओ। दो नंबर पार्टी जो चल रही है नून लीग की, वो ही देख रही हूँ। नून लीग यहाँ पे दो नंबर काम कर रही है, तो और क्या हो रहा है? सब कुछ मैंने देखा है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, इमरान खान न्याजी ने तुम्हें खुद यहाँ पे छोड़ा है कि जाओ जाके तो यहाँ पे रहो, और मैं मुझे बताओ नून लीग के बंदे क्या करते हैं? मेरे बाबा ने कुछ नहीं बोला। हाँ। ये सजा मुझे उन दलिया कंजरे ने दी है जो दो नंबर क्यों दे रही हो, जो दो नंबर धंधा करती हैं। वो कहती है हम तो बड़ी शरीफ है, बुर्का पहन के जाती है चार दीवारी के अंदर नंगी होके, एक उठता है दूसरा बैठता है, काम करवा के बुर्का पहन के अपने वारिस के साथ घर आ जाती है। नाजरीन, लोगों ने सजा दी है। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो, बेटे किसकी हो? शाहजाद। अच्छा, और नवासे किसकी हो? नाना नाना बस। नाने का नाम बताना। नाना अबू। नाना अबू तो है, नाना अबू का नाम क्या है, जल्दी बता। इमरान खान। इमरान खान जी, ये इमरान खान साहब, ये देख ले, ये आपका नवासा भी पैदा हो गया, और ये बेटी गुमशुदा जो है, एक नहीं है, आठ, चले आठ दस नवासे और है, आगे आने वाले वक्त में जरूर मिलाएंगे, और ये आपकी गुमशुदा बेटी भी मिल गई है इमरान खान ऐसा जी। नाजरीन, आपने जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले एक देखी होगी वीडियो, बड़ी वायरल हुई थी, एक जो पुलिस अहलकार है उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, और उनके लिए आईजी साहब ने अगले दिन ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मैं अपने आईजी साहब से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि खुदारा इस बच्ची का भी दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, इसका ज़हनी तवाजुन ठीक करवाए, इसको भी कहीं दाखिल करवाए। दो नंबर धंधे पे ये देखे नाजरीन जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हौसला रखे जी, हौसला रखे, हौसला रखो बहन, इलाज होगा लाजमी जी। नाजरीन, होगा होगा इलाज, टेंशन नहीं लेनी, आईजी साहब नहीं करेंगे, मैं लेके जाऊंगी आपको, मैं लेके जाऊंगी इलाज के लिए। मेरे माँ बाप जिंदा है, हयात है मेरा जी। ना जी, आईजी साहब प्लीज एक नजर इन पे भी करें, ठीक है? करीब ही आपका ऑफिस है, जरा आते जाते कभी इस बच्ची को भी देखें, ये बच्ची की भी इलाज होने की जरूरत है, इसको बड़ी सख्त जरूरत है कि इसकी काउंसलिंग की जाए, इसको किसी पागल खाने में दाखिल करवाया जाए, कभी ये शान की बीवी तो कभी अब ये इमरान खान न्याजी साहब की बेटी।
जी नाजरीन, आपने जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले एक देखी होगी वीडियो, बड़ी वायरल हुई थी, एक जो पुलिस अहलकार है उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था और उनके लिए आईजी साहब ने अगले दिन ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मैं अपने आईजी साहब से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि खुदारा इस बच्ची का भी दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, इसका ज़हनी तवाजुन ठीक करवाएं, इसको भी कहीं दाखिल करवाएं। दो नंबर धंधे पे ये देखे नाजरीन जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हौसला रखे जी, हौसला रखे, हौसला रखो बहन, इलाज होगा लाजमी जी नाजरीन, होगा होगा इलाज, टेंशन नहीं लेनी, आईजी साहब नहीं करेंगे, मैं लेके जाऊंगी आपको, मैं लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी इलाज के लिए। जी ना जी, आईजी साहब प्लीज एक नजर इन पे भी करें, ठीक है, करीब ही आपका ऑफिस है, जरा आते जाते कभी इस बच्ची को भी देखें, ये बच्ची की भी इलाज होने की जरूरत है, इसको बड़ी सख्त जरूरत है कि इसकी काउंसलिंग की जाए, इसको किसी पागल खाने में दाखिल करवाया जाए, कभी ये शान की बीवी तो कभी अब ये इमरान खान न्याजी साहब की बेटी।